दोस्तों आप सबको एक बहुत ही जरूरी सूचना देना है, सो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमोदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट्स लाने में। देखिए दोस्तों, कल रात को ही एक न्यूज आया, मतलब एक लेटर आया फीफा की तरफ से AIFF में, जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा गया है। मैं आपको हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। फीफा काउंसिल यूनानिमसली तय किया है AIFF को सस्पेंड करने के बारे में ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड COA को बताया गया है। बट द फन फैक्ट इज, जब 2017 में इसी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस में मिस्टर प्रफुल्ल पटेल AIFF के प्रेसिडेंट पद में बैठे हुए थे, तब वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था। और 2020 के दिसंबर में मिस्टर प्रफुल्ल पटेल के टेन्योर खत्म होने के बाद, जब एक साल से ज़्यादा वो इलीगली AIFF के प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए थे, तब भी वो फीफा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये तो एक बात है। और भी बताया गया है इसी चीज़ पे कि जब तक COA द्वारा पावर AIFF के इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी को टोटली ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तब तक ये फीफा बैन लिफ्ट नहीं होगा। एंड फीफा द्वारा ये भी कहा गया है, इस बैन के चलते इंडिया अब फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप नहीं होस्ट कर पाएगा, अगर अक्टूबर के पहले फीफा बैन नहीं लिफ्ट होता है तो। और अंत में यह भी लिखा गया है कि फीफा इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ कांटेक्ट में है और फीफा एक पॉजिटिव स्टेप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के पास से। तो दोस्तों, इस बैन लेटर से एक प्रेशर बनाने की कोशिश किया गया है इंडिया के ऊपर फीफा द्वारा। एक्चुअली मिस्टर प्रफुल्ल पटेल द्वारा कुछ गेम खेला जा रहा है अंदर ही अंदर। ये प्रफुल्ल पटेल नाम का टर्माइट कुर्सी छोड़ने के बाद भी इंडियन फुटबॉल का पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। एक्चुअली कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से हियरिंग है और इस लेटर के चलते सुप्रीम कोर्ट हो सकता है अपने डिसीजन को रिव्यू करे और इलेक्शन में प्लेयर्स को वोटिंग राइट ना दिया जाए, क्योंकि फीफा ने कुछ सजेशन दिया था प्लेयर्स को इंक्लूड करने के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और कल के हियरिंग में उसे ही कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हो सकता है ये बैन सिर्फ एक दो वीक का है, आशा रखते हैं सब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यही न्यूज़ देना था आप सबको आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।